अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, पिछले वीडियो में मैं दिखाया था कि किस तरह से आप ई रिक्शा वायरिंग का जो इग्निशन वायर है उसको पहचान पाओगे और उसको कनेक्शन कहां से कहां जाता है, ठीक है, और एक्सेलेटर का वायर कहां से कहां जाता है। लेकिन ये हमारा पार्ट टू बनेगा, ई रिक्शा फुल वायरिंग पार्ट टू, ठीक है। तो इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि इग्निशन वायर से जो कॉन्वर्टर में जाता है, कॉन्वर्टर से कहाँ कहाँ वायर जाता है, बोले तो 12 वोल्ट कहाँ कहाँ जाता है। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे देखिए बहुत सारा वायर पड़ा हुआ है। ये हमारा आगे का साइड है, मैं पहले ही दिखाता है। ये हमारा जो इग्निशन में जाता है, चाबी में जाता है, ये पिला बॉक्स में लगता है। और यहाँ पे एक माइनस है, ये भी पिला बॉक्स में लगता है, ठीक है। इसमें 48 वोल्ट रहता है और यहाँ पे माइनस पॉइंट रहता है। तो ये दोनों हमारा पिला बॉक्स में लगता है और इस वायर के जरिए ये जाता है। ये रेड वाला कलर का देखिए, यहाँ पे भी रेड वाला कलर मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो इस वायर के जरिए जाता है हमारा चाबी में, ये वाला चाबी में जाके देखिए चाबी यहाँ पे अटैच हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो जब भी चाबी को हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, इस पीला वाला वायर के जरिए, पहले ही दिखाया था मैं कि एक वायर जाता है हमारा मीटर में 48 वोल्ट, देखिए यहाँ पे जॉइंट है, एक वायर जाता है मीटर में और एक वायर चला जाता है हमारा इग्निशन बोले तो कंट्रोलर में, ये वाला वायर, ठीक है। और एक वायर जाता है, इसी कलर का वायर दिखेगा आपको, ठीक है, इसी कलर का वायर दिखेगा और कहीं पे नहीं रहेगा, वो देखिए ये है आपका कन्वर्टर वाला वायर। तो इस तरह से आप पहचान पाओगे, ठीक है, कन्वर्टर के वायर को। अब कन्वर्टर का 3 पिन का प्लग रहेगा, उसमें आपको किस तरह से 12 वोल्ट पहचान में आएगा, देखिए यहाँ पे तो 48 वोल्ट मिल गया आपको, ठीक है। तो देखिए ये जो बीच में रहेगा, ठीक है, ये आपका 12 वोल्ट वायरिंग में कहीं पे भी ये वाला वायर देखना, ये कोई सा भी कलर का हो सकता है, तो ऐसा वायर वायरिंग में कहीं भी रहेगा वो 12 वोल्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पर्पल कलर का वायर दिया हुआ है, तो वायरिंग में जहाँ कहीं पे भी पर्पल कलर का वायर रहेगा वो हमारा 12 वोल्ट रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, ये हमारा ब्रेक स्विच का है, ठीक है। तो डायरेक्ट देखिए यहाँ से ही जॉइंट होके आया है, देखिए यहाँ पे जॉइंट है, ये आपको देख के पता चलेगा, ये वाला यहाँ से जॉइंट है और यहाँ से जाके ये देखिए यहाँ पे जॉइंट है, देखिए ये वाला, हाँ आपको देख के ही पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। आप देखिए जो हमारा 12 वोल्ट है कॉन्वर्टर से जो निकल के जाता है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, और एक बार दिखा देता हूँ, देखिए ये वायर सीधा चला गया कहाँ पे, देखिए इस तरफ से आगे की तरफ चला गया, ये हमारा फ्रंट साइड है तो ये आगे की तरफ चला गया, आगे देखिए एक ही वायर आया है यहाँ से, ठीक है, एक ही वायर आया है आके यहाँ पे, देखिए बहुत सारा वायर में बट गया है। तो सबसे पहले देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये हमारा हॉर्न में जा रहा है, ठीक है। हॉर्न में जो हमारा 12 वोल्ट है वो डायरेक्ट रहता है, ठीक है, ये पर्पल कलर का वायर 12 वोल्ट है तो ये हॉर्न में देखिए डायरेक्ट चला गया, ये कहीं स्विच पे नहीं है, स्विच पे रहता है हॉर्न का, क्या आपका देखिए स्विच से हो के आता है आपका ये वाला, दिखाता हूँ आपको ये वाला, देखिए ये वाला कलर, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट हॉर्न में जा बोले तो देखिए कहाँ कहाँ गया है, इस सॉकेट में गया है, ठीक है, इस सॉकेट में गया है, उसके बाद देखिए ये सॉकेट में गया है, ये हमारा फ्लशर का है, उसके बाद देखिए ये सॉकेट में गया है, ये हमारा लाइट का है, ठीक है, उसके बाद देखिए ये सॉकेट में गया है, ठीक है, ये हमारा जो कभी कभी लगाते हैं क्या, जो व्हीपर लगाते हैं ना पानी को बोले तो साफ करने के लिए, शीशे को ग्लास को साफ करने के लिए, उस पर भी गया है ये, ठीक है, जहाँ के ये डायरेक्ट रहता है, ठीक है, ये है डायरेक्ट। तो जहाँ कहीं पे भी हमारा जो ये पल-पल वाला वायर दिखेगा आपको, वो वहाँ पे समझ लेना कि इसमें 12 वोल्ट है, ठीक है। और ये जो माइनस पॉइंट है, ये माइनस काला वाला डायरेक्ट देखिए इसमें काले ही है सिर्फ, ये काला वाला जहाँ कहीं पे भी आपको दिखेगा वहाँ पे समझ लेना कि इसमें माइनस पॉइंट है। देखिए वायरिंग में जहाँ कहीं पे भी काला वाला दिखेगा वहाँ पे सोच लेना कि माइनस पॉइंट है। तो इसमें देखिए आप को सिर्फ मैं हॉर्न वाला ही कनेक्शन दिखा देता हूँ कि किस तरह से वायरिंग में हॉर्न वाला कनेक्शन नहीं आया है। मैं दिखाया कि देखिए 12 वोल्ट से जो हमारा आया है पर्पल वाला वायर, ठीक है, ये पर्पल वाला वायर है, ये 12 वोल्ट से कन्वर्टर से आया है, आके यहाँ पे देखिए ये जॉइंट है एक साथ में बहुत सारा। अब ये कहाँ जा रहा है, ये तो देखिए दो वायर डायरेक्ट हॉर्न में चला ही गया, ठीक है, ये जाके डायरेक्ट आपका हॉर्न में लग जाएगा, आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसके लिए मैं हॉर्न भी लेके आया एक आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। तो देखिए इसमें माइनस प्लस रहता है, तो आप कहीं पे भी जोड़ सकते हो इसको। तो मैं देखिए इसमें मैं प्लस को जोड़ दिया पहले, ठीक है, एक प्लस को जोड़ दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं प्लस को जोड़ दिया, अब इसका माइनस बचा है। तो माइनस को कैसे पहचानोगे आप, इस तरह से डायरेक्ट जोड़ दोगे तो ये नहीं चलेगा, इसको स्विच के साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखिए ये हमारा माइनस और प्लस हॉर्न के साथ जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे बोले तो स्विच में कौन सा वायर गया है वो देखना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पे देखिए हमारा माइनस कौन सा है, ये वाला हमारा माइनस है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा वायर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जाता है स्विच में कौन सा वायर के जरिए, देखिए एक बार यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक वाला वायर है ये हमारा लेफ्ट राइट इंडिकेटर का जो पिन रहता है, जो लेफ्ट राइट बोले तो हैंडल में जाता है उसका, देखिए ठीक है। तो ये वायर के जरिए देखिए काला वाला यहाँ से आया है, इस काले वाले से आके यहाँ से आके देखिए यहाँ इस प्लग के जरिए ये जाएगा आपका लेफ्ट का जो हैंडल रहेगा उसके स्विच में जाएगा, जो आपका हॉर्न का स्विच है उसमें जाएगा ये। तो ये स्विच में जाने के बाद कौन सा वायर के जरिए ये वापस आ रहा है, देखिए इस वायर के जरिए स्विच में जाएगा, ठीक है, हॉर्न का स्विच में इस वायर के जरिए जाएगा और इस वायर के जरिए देखिए ये जो है इस वायर के जरिए ये वापस आएगा आपका ए हॉर्न में जाएगा, ठीक है, इस वायर के जरिए। तो इसको मैं एक बार खोल के निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए बहुत टाइट हो गया। तो देखिए यार ये निकल गया, तो इस वायर के जरिए ये आके लगेगा हॉर्न में, ठीक है। तो हॉर्न का कनेक्शन एकदम सिंपल है, ठीक है, हॉर्न का जो माइनस पॉइंट है वो स्विच पे रहता है, इस वायरिंग में जो माइनस है देखिए इसमें ये वाला वायर जॉइंट है, ठीक है, और ये जाके लग रहा है हमारा इस प्लग में, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार स्विच को भी दिखा देता हूँ, देखिए ये वाला स्विच में जाके लगता है और यहाँ पे देखिए 9 पिन का एक प्लग लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जाके देखिए ये वाला डायरेक्ट लग जाता है इस तरह से, ठीक है। तो आप देखिए ये ब्लैक के जरिए आपका हॉर्न में जा रहा है, इस वायर के जरिए हॉर्न में जा रहा है देखिए इसमें, ठीक है। तो इसके जरिए जा रहा है अंदर और वापस कौन से वायर के जरिए आ रहा है, ए वाला रेड वाले के जरिए, ठीक है। तो ये रेड वाले के जरिए आके हमारा जा रहा है देखिए इस हॉर्न में, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा हॉर्न का कनेक्शन। और एक बार मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। हमारा देखिए जो कन्वर्टर से हॉर्न का वायर है, सॉरी जो 12 वोल्ट का वायर है देखिए ये वाला, और ये माइनस तो वायरिंग में हर जगह फैला हुआ रहता है। तो यहाँ से 12 वोल्ट और माइनस, ठीक है, दोनों जा रहा है हमारा फ्रंट में, ठीक है, फ्रंट में यहाँ पे हमारा माइनस पॉइंट है, माइनस वाला जंक्शन है ये, और यहाँ पे है 12 वोल्ट वाला जंक्शन। तो 12 वोल्ट तो डायरेक्ट हमको हॉर्न में दे देना है, देखिए इस तरह से जो हमारा हॉर्न है इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट दे देना है, देखिए यहाँ पे मैं दे दिया, ठीक है। और बाकी जो माइनस है हमारा ये जाएगा, देखिए ये जो जंक्शन है माइनस का इस वायर के, देखिए ये अंदर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इस वायर के जरिए जा रहा है हमारा इस स्विच में, हॉर्न का स्विच में, देखिए यहाँ पे देखिए इस वायर के जरिए ये काला वाला वायर के जरिए जा रहा है हमारा इस हॉर्न के स्विच में, इसमें, ठीक है, ये वाला हॉर्न के स्विच में, तो उसमें जा रहा है। और वापस कौन सा वायर में से आ रहा है, देखिए ये रेड वाले के वायर से वापस आके इस वायर में चले आ रहे, और ये वायर गया है देखिए हमारा फिर हॉर्न में, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा हॉर्न का कनेक्शन, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो एक बार मेरे दिए गए डायग्राम को आप देख सकते हो तो इजी समझ जाओगे, डायग्राम में पूरा पिक्चर बना के आप लोगों को दिखाया गया है, ठीक है, तो वो देखोगे तो इजी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। वीडियो का नाम है ईरिक्शा हॉर्न कनेक्शन डायग्राम, ठीक है, तो वो वाला डायग्राम भी देख सकते हो आप, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो वीडियो आज का इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में दूसरा एक वीडियो लेके आप लोगों के लिए बनाएंगे, तो ये हमारा पार्ट टू है। तो मेरे चैनल को आता है सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटे का बटन है इसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच। और एक बात, आप लोगों को अगर ई रिक्शा टेस्टर डिवाइस ड्राम पुलर एक्सेल पुलर चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो, मैं यही सब सामान सिर्फ सेल करता हूँ, बाकी कोई सामान सेल नहीं करता हूँ। पुलर डिवाइस यही सब मैं ऑनलाइन किसी को ज़रूरत होता है तो मैं उसको भेजता हूँ, उसके लिए आपको आपका फुल एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पे देना होगा और इसी नंबर पे मेरा फ़ोनपे गूगल पे होता है तो इसमें आपको पैसा पे करना होगा, तो सामान को हम DTTC कुरियर या तो बाई पोस्ट के जरिए आपके घर तक पहुँचा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।